अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ आमना और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ज़ूलॉजी विद आमना कुफार। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि ज़ूलॉजी क्या है, इसकी ब्रांचेस क्या है और इसका स्कोप क्या है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। व्हाट इज़ ज़ूलॉजी? ज़ूलॉजी इज़ डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स। ज़ू मीन्स एनिमल्स, ऑलॉजी मीन स्टडी। सो ज़ूलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ एनिमल्स। स्टूडेंट्स, जो ज़ूलॉजी है वो बिलोंग करती है किंगडम एनिमेलिया से। अब हम इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द बिहेवियर मीन्स के हम इसमें एनिमल्स के बिहेवियर को डिस्कस करेंगे। स्ट्रक्चर, फिजोलॉजी, फिजोलॉजी मीन्स के जो इनके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं उनका फंक्शन क्या है। क्लासिफिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स। ब्रांचेज ऑफ ज़ूलॉजी, वैसे ज़ूलॉजी की 24 ब्रांचेस हैं, बट यहाँ पे हम ओनली 12 मेजर ब्रांचेस को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, मॉर्फोलॉजी, स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर मींस के आउटर अपीयरेंस कैसा है ऑर्गेनिज्म का। सेकंड, एनाटॉमी, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ इंटायर ऑर्गेनिजम्स एंड देयर पार्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, ह्यूमन हार्ट, इस ब्रांच में हम ये स्टडी करेंगे कि ह्यूमन हार्ट की शेप कैसी है। थर्ड, जेनेटिक्स, स्टडी ऑफ द जीन्स और जो भी जीन्स के अंदर तब्दीली आती है ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जीन्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। फोर्थ, हिस्टोलॉजी, स्टडी ऑफ द टिश्यूज थ्रू माइक्रोस्कोप। फिफ्थ, इथोलॉजी, स्टडी ऑफ द फिश। इस ब्रांच में हम ये स्टडी करेंगे कि फ़िश कौन सी कैटेगरी में फॉल करती है, मीन्स कि वो बोनी फिश है या जालेस फिश है। सिक्स, एम्ब्रियोलॉजी, स्टडी ऑफ फॉर्मेशन एंड डिवेलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोस। फॉर एग्जांपल, इस ब्रांच में हम ये स्टडी करेंगे कि एम्ब्रियो से लेकर एक फुल ऑर्गेनिज्म कैसे डिवेलप होता है। सेवन, साइटोलॉजी, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ सेल्स। फॉर एग्जाम्पल, टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स हैं, एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स। तो इस ब्रांच में हम ये स्टडी करेंगे कि एनिमल सेल और प्लांट सेल वर्क कैसे करता है और उनकी ग्रोथ कैसे होती है। एट, इकोलॉजी, स्टडी ऑफ इंट्रैक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स विद द इन्वायरमेंट। इसमें हम टू सब फैक्टर्स को भी डिस्कस करेंगे। बायोटिक फैक्टर मीन्स लिविंग फैक्टर, फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। एंड नेक्स्ट इज ए बायोटिक फैक्टर मीन्स नॉन लिविंग फैक्टर, फॉर एग्जाम्पल एयर, टेम्परेचर एक्सेट्रा। नाइन, एवोल्यूशन, एवोल्यूशन इज अ प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअल चेंज दैट टेक प्लेस ओवर मैनी जनरेशंस। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह 80% पॉपुलेशन का मानना है कि जो ह्यूमंस थे वो इन्वॉल्व हुए मंकी से। टेन, फिजोलॉजी, स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, देयर फंक्शंस एंड देयर पार्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, इसमें हम ह्यूमन हार्ट को डिस्कस करेंगे कि ह्यूमन हार्ट्स के क्या पार्ट्स हैं और क्या फंक्शंस हैं। 11, प्लेंटोलॉजी, स्टडी ऑफ फॉसिल्स। अब फॉसिल्स क्या है? वो ऑर्गेनिजम्स जो हिस्ट्री में प्रेजेंट होते हैं बट अब वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं और इनके प्रिजर्व पार्ट्स को हम फॉसिल्स कहते हैं। 12, टैक्सोनॉमी, स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन एंड नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स। फॉर एग्जाम्पल, अर्थ में डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं। अब हम इन सब ऑर्गेनिजम्स को एक तरह तो ट्रीट नहीं कर सकते, मीन्स कि इनका हैबिटेट और इनका सर्वाइवल इन्वायरमेंट डिफरेंट है। तो इस बेस पे हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं और इसको हम टैक्सोनॉमी कहते हैं। स्कोप ऑफ ज़ूलॉजी, स्टूडेंट्स आपने ज़ूलॉजी में एडमिशन ले लिया है बट आपको ये नहीं आइडिया कि आपकी डिग्री का कोई स्कोप भी है, कि आगे हमें कोई जॉब भी मिलेगी या नहीं। तो ज़ूलॉजी का बहुत स्कोप है। आप एज अ टीचर स्कूल और कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हैं, एज अ प्रोफेसर और लेक्चरर यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं, और फिशरीज डिपार्टमेंट में भी अप्लाई कर सकते हैं एज अ फिशरीज डिपार्टमेंट ऑफिसर। इसके अलावा वो स्टूडेंट्स जो टीचिंग में इंटरेस्टेड नहीं है वो डिफरेंट फार्म्स रिलेटेड टू एनिमल्स वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, फिश फार्म, पोइट्री फार्म, एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल साइंसेस। इसलिए जो ज़ूलॉजी की फील्ड है वो जस्ट टीचिंग के लिए नहीं है, बल्कि जहाँ पर भी एनिमल्स की स्टडी की जाएगी वहाँ ज़ूलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है। That's all from me. Thank you for watching.